नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धरा साथ दे तो कुछ और बात है, धरा साथ दे तो कुछ और बात है, मगर तुम साथ दो तो कुछ और बात है। सलने के लिए तो एक पैर भी काफी है, सलने के लिए एक पैर भी काफी है, मगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। पुनः आप सभी का अपने आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और जिसके अंदर हमारा टॉपिक था राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, यानी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। हम बात कर रहे थे मित्रों निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर, निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर मैंने चर्चा जारी थी, और उसके अंदर हमने बात की दादू जी के बारे में, उससे आगे मैंने बात की जाम्बू जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, उससे आगे हमने बात की चंद्रलाल जी के बारे में, रजब जी के बारे में, और उससे आगे हमने बात की जो राजस्थान के जो छोटे छोटे जैसे आलकिया संप्रदाय है, भक्त संप्रदाय है, उंदरिया संप्रदाय है, गुदड़ संप्रदाय है, नवलदास संप्रदाय है, ऐसे जो राजस्थान के छोटे छोटे संप्रदाय है उसके ऊपर भी हमने विस्तार से बात की थी। आज हम बात करेंगे जिस संप्रदाय पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सगुण भक्ति हमने पूरी पढ़ ली, जिसके अंदर हमने संत मीराबाई के बारे में, और उससे जो गौड़ीय संप्रदाय है, उसके बाद वल्लभ संप्रदाय है, उसके बाद रामचरण संप्रदाय, ऐसे हमने कई जो राजस्थान के अंदर संप्रदाय थे उस संप्रदाय के ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस संप्रदाय का नाम है, एक ही संप्रदाय बचा है निर्गुण भक्ति वाला, जिसका नाम है राम चनई संप्रदाय, और राम चनई संप्रदाय, राम चनई संप्रदाय। पहले बात करें राम चनई संप्रदाय के बारे में, राम चनई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, संस्थापक के बारे में बात करें तो राम शनि संप्रदाय का संस्थापक बात करो तो मित्र राम शनि संप्रदाय के ऊपर हम बात कर सकते हैं 2-3 घंटा तक, लेकिन नहीं, हमारे एग्जाम के अंदर जो पॉइंट आएंगे उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। राम शनि संप्रदाय की स्थापना किस संस्थापकों ने, रामचरण जी। रामचरण जी का संबंध कहां से, सोडा गांव पड़ता है हमारा नागौर के अंदर, कहाँ पड़ता है, टोंक के अंदर पड़ता है। आगे देखिए पिताजी का नाम देखने को मिलता है बख्ताराम। उसके बाद माताजी का नाम देखे तो देवी देखने को मिलता। उसके आगे माताजी का नाम देवू जी और पिताजी का नाम बख्ताराम। उसके बाद गुरु का नाम गुरु कृपाराम है। उसके बाद बचपन का नाम है राम किशन। उसके बाद रामशरण जी ने क्या कही, रामशनि संप्रदाय की स्थापना की, और रामशनि संप्रदाय का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहलाता है, राम द्वारा। आपने देखा कि हर संप्रदाय का कोई न कोई अलग अलग पूजा स्थल होता है, किसी का गोपाल द्वारा कहलाता है, किसी का गुरु द्वारा कहलाता है, किसी का और अलग कहलाता है। तो हमने ये देखा कि इस संप्रदाय का, यानी जो रामशनि संप्रदाय है, इस रामशनि संप्रदाय का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं, राम द्वारा कहते हैं, और इस संप्रदाय के अंदर गुरु कृपा को महत्व तो दिया गया है, एवं राम की निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति नहीं, यानी राम की निर्गुण भक्ति, यानी कहा जाता है कि राम का कोई रूप नहीं है, राम निराकार है,
राम हर जगह व्याप्त है, राम हर जगह व्याप्त है। राम गुरु पूर्णिमा सॉरी गुरु पूजा प्लस राम की निर्गुण भक्ति पर मैं तो दिया, राम की निर्गुण पूजा पर बल दिया, निर्गुण पूजा पर क्या दिया, बल दिया। सामान्य परिचय, पुनः एक बार रिवीजन, संस्थापक रामचरण छोड़ा गांव टोंक के रहने वाले थे, पिताजी भक्त जी, माता जी देवू जी, गुरु कृपाराम और बचपन का नाम रामकिशन, बचपन का नाम रामकिशन, और इस संप्रदाय की जो पूजा इसलिए उसे क्या कहते हैं, राम द्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं, राम द्वारा। और इस पूजा इसमें भगवान श्री राम की निर्गुण पूजा पर महत्व दिया गया, भगवान राम की निर्गुण पूजा पर बल दिया गया। मित्रों इस संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कितनी देखने को मिलती है, स्यार देखने को मिलती है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर स्यार है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने भक्ति का प्रसार करने के लिए भारत में जिस प्रकार चार धामों की यानी चार पीठों की स्थापना की, उसी प्रकार संत चरणदास जी ने भी राजस्थान के अंदर भक्ति का प्रसार करने के लिए चार प्रधान पीठों की स्थापना की। लेकिन जो इस संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ कौन सी है, जो सबसे प्रधान पीठ है उस प्रधान पीठ का नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रधान पीठ देखे, प्रधान पीठ कुल कितनी है, प्रधान पीठ कितनी है, चार है। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो सबसे इनमें से सबसे प्रमुख है उसका नाम है शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। इन शहरों में से प्रमुख है पहली पीठ है जिसका नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा। ये इसके अंतरराष्ट्रीय कार्यालय यानी सबसे बड़ा कार्यालय अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है यानी सबसे बड़ा इसका जो सबसे प्रमुख पीठ है, सबसे बड़ी पीठ यानी सबसे बड़ी पीठ। सीधा प्रश्न है कि राम चने संप्रदाय की पीठ का प्रधान पीठ कहां पर है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा है। इस समय इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापकों ने, यहां पर इस पीठ के संस्थापक है रामचरण दास। कौन है, रामचरण जी। कौन है, रामचरण जी। और जब यहां पर इस संप्रदाय की पीठ की स्थापना हो रही थी, यहां पर शासक कौन थे शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो शासक थे रणजीत सिंह। शासक कौन थे, रणजीत सिंह क्या थे यहाँ पर शासक थे। जब शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इस पीठ की स्थापना हुई, उसके बाद दूसरी प्रधान पीठ है वो है रैण नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रैण नागौर में। और यहाँ पर स्थापना की दरियाब जी ने, किसने की, दरियाब जी ने। तो यहाँ पर दूसरा हमें देखने को मिलता है, दूसरी जो प्रधान पीठ है वो है रैण नागौर में। कहाँ पर है, रैण, और रैण कहाँ पर पड़ता है, रैण पड़ता है नागौर में। यहाँ पर दरियाब जी ने स्थापना की, यहाँ पर जो प्रधान पीठ है इस पीठ के संस्थापकों ने दरियाब जी है। और दरियाब जी का संबंध कहाँ से, दरियाब जी का संबंध है जैतारण पाली से। कहाँ से, जैतारण पाली से। और दरियाब जी के गुरु का नाम क्या है, दरिया जी के गुरु का नाम है प्रेमदास। क्या है, प्रेमदास। तो रैण कहां पर पड़ती है, रैण नागौर में पड़ती है। उसके बाद यहां पर संस्थापक कौन है, संस्थापक है दरियाव जी। और दरियाव जी का संबंध कहां से, दरिया जी जैतारण पाली में पड़ता है जहां पर गिरी सुमिल का युद्ध हुआ था, जैतारण पाली में। और इसके गुरु है जो दरियाव जी के गुरु है जिसका नाम है प्रेमदास। क्या है, प्रेमदास, दरियाव जी के गुरु। और उसके बाद तीसरी शाखा आती है
सॉरी तीसरी आती है जिसका नाम है खेड़पा। और खेड़पा कहाँ पड़ता है? खेड़पा पड़ता है हमारा जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? खेड़पा जोधपुर में पड़ता है। और इस खेड़पा शाखा की स्थापना की जिसका नाम है रामदास। क्या है? रामदास जी। और रामदास जी के गुरु का नाम है हरिराम। क्या है? हरिराम। और हरिराम का संबंध कहां से? बिकमपुर जोधपुर में पड़ता है। तीसरी जमीन आती खेड़ापा। और खेड़ापा कहां है? जोधपुर के अंदर। खेड़ापा कहां है? जोधपुर के अंदर। खेड़ापा जोधपुर में है। और यहां पर स्थापना, यहां पर संस्थापक कौन है? संस्थापक है रामदास जी। और रामदास जी के गुरु का नाम है, हरिराम। क्या है? हरिराम दास जी है। तो ये तीसरी और चौथी हम देखने को मिलती है, आपने सुना होगा सिंह स्थल। और सिंह स्थल कहां पर है? बीकानेर में। सिंह स्थल है बीकानेर में। और यहां पर संस्थापक है, संस्थापक यहां तक दिख रहा है आपको? संस्थापक कौन है? संस्थापक है हरिराम। कौन है? हरिराम है। कौन है? हरिराम है। संस्थापक कौन है? हरिराम है। हरिराम दास जी। और हरिराम दास जी के गुरु का नाम है जैतमल। कौन है? जयमल। कौन है? जयमल दास। एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया, शायद एग्जाम को मुझे नाम याद नहीं, एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया कि खेड़ापा शाखा व सिंह स्थल शाखा के आदि आचार्य कौन है? आदि आचार्य यानी सबसे, इनमें जो सबसे बड़े गुरु कौन है? तो उसमें ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन मुझे अपनी जिस ऑप्शन आया था उसके अंदर एक ऑप्शन आया था, क्या आया था? जयमल दास। तो जयमल दास को सिंह स्थल एवं खेड़ापा शाखा के क्या कहते हैं? आदि गुरु कहते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि हरिराम के गुरु कौन है? जैतमल। और जैतमल किसके गुरु है? जैतमल है तरिया, सॉरी इसके रामदास जी के गुरु। किसके गुरु है? तो ये सबसे बड़े हुए, ये सब में जो सबसे बड़े कौन हुए? सबसे बड़े वो जयमलदास हुए। कौन हुए? जयमलदास हुए। क्योंकि सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु है जयमलदास। और जयमलदास की बात आते हरिराम। और हरिराम किसके गुरु है? रामदास के। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा कौन है? जयमलदास है। कौन है? जयमलदास है। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हो साइड में कि खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य जैतमलदास को कहते हैं, जैतमलदास को कहते हैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उतार लो। उससे आगे बात करते हैं, चौथी ये होगी कंप्लीट, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। उसके बाद जो संत चरणदास जी के जो ग्रंथों का जो संकलन है, उस ग्रंथों के संकलन या उपदेशों के जो संकलन है, उस उपदेशों के संकलन को अपने शिष्यों द्वारा क्या किया गया? उसका संकलन किया गया है। उपदेशों को या ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता है? संकलन
संकलन, ग्रंथों का संकलन क्या कहते हैं? अन्ना भाई, अन्ना भाईरी वेणी, क्या कहलाता है? अन्ना भाईरी वेणी कहलाता है, अन्ना भाईरी वेणी कहलाता है, अन्ना भाईरी क्या कहलाता है? अन्ना भाईरी वेणी कहलाती है। इसका किसके द्वारा किया गया? शिष्यों द्वारा, शिष्यों द्वारा ग्रंथों, शिष्यों द्वारा इस ग्रंथ जो ये अन्नाबाई वाणी, अन्नाबाई वेणी, इस ग्रंथ का क्या किया गया? संकलन किया गया। इसका संबंध किस संप्रदाय से? रामचंद्र की संप्रदाय का। ये थी हमारा, ये था हमारा रामचंद्र संप्रदाय। पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं, पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीआर शाखा है राम, रामचंद्र संप्रदाय, रामचंद्र संप्रदाय। रामचंद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन? रामचंद्र। कहां से संबंध है? छोड़ागांव, छोड़ागांव टोंका करता है। पिता का नाम भक्ता राम और माता का नाम, माता का नाम हमने देखा देवदेवी। उसके बाद एक गुरु का नाम कृपा राम, बचपन का नाम, बचपन का नाम देखा राम किशन। उसके बाद पूजा स्थल क्या कहलाता है? पूजा स्थल कहलाता है राम द्वारा। उससे आगे गुरु पूजा एवं राम की निर्गुण पूजा पर विशेष बल दिया। उसके आगे बात की प्रधान चार पीठ, चार पीठे, उसमें प्रधान पीठ है जिसका नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा, और इसकी स्थापना किसने की थी? रामचंद्र द्वारा की, रामचंद्र द्वारा की गई। और ये सब पीठों में से क्या है? प्रधान है। और जब यहाँ पर स्थापना की गई तो यहाँ पर शासक कौन था? रणदीति था। उसके बाद माए रैण कहाँ पर पड़ती है? नागौर में। यहाँ पर जैतारण पाली के रहने वाले थे गुरु, जिसका नाम क्या, जिसका नाम देखा दरियाव जी, और दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमदास। हाँ, दरिया जी से एक महत्वपूर्ण संबंधित बात है, दरिया जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है, मैं भूल गया अब लिखा था, दरिया जी, दरिया जी से एक संबंधित महत्वपूर्ण बात है। क्या? क्या दरिया जी ने राम शब्द, राम शब्द को परिभाषित किया, परिभाषित किया, परिभाषित कैसे? कि राम शब्द को तोड़ा, ये राम शब्द है, इस राम शब्द को तोड़ा और राम शब्द के दो शब्द बनाए, पहला दो शब्द बनाए, पहला बनाया राम और दूसरा बनाया मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? मुसलमानों के भगवान माने जाते हैं मोहम्मद। कहा कि राम, राम जो ये शब्द है, इस शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, पहले रा से बनता है राम और दूसरे से बनता है मोहम्मद। यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने वाला संत पूछा गया एग्जाम में, हिंदी मुसलमान, सॉरी हिंदू मुसलमान जो एकता पर बल दिया वह संत का नाम था दरियाव जी। तो दरियाव जी ने स्थापना किस शाखा कह की? रैण शाखा की। उसके बाद हमने देखा खेड़ापा शाखा, खेड़ापा से बाद माई सिंह स्थल बीकानेर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल बात करेंगे हम निर्गुण भक्ति परंपरा, छोरी मिश्रित भक्ति परंपरा के ऊपर कल हम विस्तार से बात करेंगे। आज आप सभी से विदाई लेना चाहता हूं, राम राम, अंत में जय हिंद।